हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री। गायत्रीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मानसून सीजन चल रहा है, ऐसे में कुछ झटपट से चाय के साथ स्नैक्स तो बनता है। दोस्तों, आप इसको चाहे बच्चों के लंच बॉक्स में, या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में, या फिर शाम को टी टाइम कभी भी बना सकते हैं। यह जल्दी से बनने वाली आसान सी रेसिपी है, बच्चों को तो यह बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 5 ब्रेड पीस ली हैं, आप चाहे कम ज़्यादा ले सकते हैं। ब्रेड को छोटे छोटे पीस करके हम मिक्सी जार में डाल देंगे और हमें इसके साइड भी इसी में तोड़ के डालने हैं, और जो साइड में मोटी वाली ब्रेड होती है उसको भी हम तोड़ के इसी में डाल देंगे, क्योंकि अभी हमें ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं। इसको हम पीस के अच्छा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। हमने ये पीस लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में खाली कर देंगे। अब मैंने यहाँ 4 बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, ये छिल के तैयार करके रखे हैं। इनको एक दूसरे बर्तन में कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस हम मोटे वाले साइड से ही करेंगे। हमको ऐसे ही सारे आलू कद्दूकस कर लेने हैं। ये कद्दूकस कर लिए। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी कटी हुई प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कटी हरी धनिया। आप चाहें अगर धनिया है तो डालें, नहीं तो इसकी जगह कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, क्योंकि मानसून सीजन में हरा धनिया थोड़ी मुश्किल से ही मिलता है। अब हमने जो ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे उसको थोड़ी थोड़ी करके आलू के मिक्सचर में डालेंगे। और 1 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब हमने इसका एक डो तैयार कर लेना है। इस डो को हमने गीला नहीं करना है, इसको टाइट ही रखना है। आपको जितनी ज़रूरत है उतने ज़रूरत के मुताबिक ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। मुझे अभी थोड़ी गीला सा ही लग रहा है, मैं थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स और डालूंगी। अब ये थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स बचा दूंगी। और ये मैंने एक डो तैयार कर लिया। ये लिया है मैंने 3 चम्मच मैदा और इसका हमने घोल तैयार कर लेना है।
हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। याद रहे हमें खट्टा पानी नहीं डालना है, ये खट्टा पानी डालेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, तो इसलिए हमें धीरे धीरे पानी डाल के इसको घोलना है। इसका घोल हमें गाढ़ा नहीं करना है। हमने मैदे का घोल तैयार कर लिया है, घोल को हमने पतला ही बनाया है। अब यहाँ पर जो हमने आलू का डो तैयार किया था उससे हम छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। बॉल से फिर एक शेप दे देंगे, आप चाहे कोई भी शेप अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल शेप दे रही हूँ। अब इसको मैदे के घोल में डीप करेंगे और इसको जो हमने ब्रेड क्रम्स से तैयार किए थे उसमें लपेट देंगे। ये हमारा तलने के लिए तैयार है। अगर ये हाथों में चिपकता है तो आप थोड़ी सी हाथों में तेल लगा लें, तेल लगाने से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ऐसे ही हमारा सारा नाश्ता तलने के लिए तैयार है। ये देखिए ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद ये बहुत ही सुंदर सा दिखने लग गया। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सारे आलू का जो हमने नाश्ता तैयार किया है वो सारे तल लेंगे। हमारे बर्तन में जितने भी आएंगे सारे इकट्ठे डाल देने हैं, ये न तो चिपकते हैं न टूटते हैं। और आँच हमने मीडियम ही रखनी है, तेज नहीं करनी है। इनको तलने के लिए 1.5 से 2 मिनट का टाइम लग जाता है। अब इनमें हमारा सुंदर सा कलर आ चुका है, ये पक के तैयार हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारा नाश्ता तल लेंगे। अब इनको हम ग्रीन चटनी या फिर सॉस के साथ, टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बाहर से बहुत क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट है। तो हमारे आलू का टेस्टी सा स्नैक्स तैयार है।
तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए, और मेरी वीडियो या मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी है या बुरी है, आप अपने सुझाव मुझे ज़रूर भेजें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।